हिंदू धर्म के मुताबिक हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। वैसे ही गुरुवार का दिन विष्णु जी का विशेष दिन माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को प्रिय होता है। भगवान विष्णु का पीला रंग प्रिय है। कहा जाता है कि इस दिन पीले कपड़े पहनने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि पक्षियों में विशिष्ट गरुड़ देव जी ने गुरुवार के दिन ही विष्णु जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था और उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। उसी दिन से ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में बृहस्पतिवार के दिन व्रत का आयोजन किया जाता है वहाँ महालक्ष्मी जी का वास होता है और घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनिता की संतान और अरुण के छोटे भाई हैं। त्रेता युग में गरुड़ ने श्री राम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत के रूप में अवतार लिया था। गरुड़ और अरुण को प्रसिद्ध गरुड़ पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। इस दिन विधि अनुसार गुरुवार का व्रत और पूजा करनी चाहिए। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन व कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करते समय या वैसे भी पीले रंग का वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराएं। अब उस लोटे में गुड़ एवं चने की दाल डाल के रख दीजिए। अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर जल का यह मिश्रण चढ़ा दीजिए और अगर विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो इस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दीजिए। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन कुछ विशेष परहेज भी बताए गए हैं। गुरुवार के दिन इन कामों से परहेज करें। बृहस्पतिवार के दिन सिर धोने से, बाल कटवाने, शेविंग करने और नाखून काटने से परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं और उन्नति बाधित होती है। गुरुवार के दिन घर की विशेष सफाई न करें। घर का कबाड़ बाहर न फेंकें और इसके अलावा भी गंदगी वाले किसी भी काम से इस दिन परहेज करें। गुरुवार के दिन उन कपड़ों को न धोएं जिन्हें कभी कबार धोया जाता है। हालांकि आप रोजाना में पहने जाने वाले वस्त्र धो सकते हैं। बृहस्पति की मजबूती के लिए ये काम करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संपन्नता के प्रतीक हैं। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी की पूजा करें। संभव हो तो बृहस्पतिवार की व्रत कथा भी पढ़ें। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। स्नान के दौरान पानी में एक चुटकी हल्दी डालें। गुरुवार के दिन किसी गरीब असहाय को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। गाय को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर खिलाएं। गुरुवार के दिन नए काम की शुरुआत की जाए तो उनकी जीवन में पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए कोई भी ऐसा शुभ काम जिसकी आप बार बार पुनरावृत्ति करना चाहते हो उसे गुरुवार के दिन से शुरू करें। शिक्षा से जुड़े कामों के लिए भी गुरुवार का दिन काफी अच्छा माना जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।